जबलपुर महानगर में भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का रूप ये था कि एक छोर तो दिखाई पड़ रहा था मगर दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। शोभा यात्रा में सारे मंदिर समिति के पदाधिकारी जुलूस लेकर शामिल हो रहे थे, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में प्रतीकात्मक रूप से झांकियां भी शामिल रही हैं। शोभा यात्रा में कलरधारी महिलाएं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैनर पोस्टर लेकर महिलाएं जुलूस में शामिल रहे। वहीं नाच गाकर ढोल बाजों की थाप पर सभी ने भगवान महावीर के जन्मदिवस को मनाया। कल इसी क्रम में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। शोभा यात्रा की चारों ओर धूम रही और सभी नाचते गाते जियो और जीने दो के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा का समापन पुआरा पर हुआ। सन 1918 से जैन नागरिक सभा का जब से शुभारंभ हुआ है तब से भगवान महावीर स्वामी की जयंती का यह जुलूस हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2 साल के कोरोना काल बीत जाने के बाद और पूज्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह जुलूस बड़ी ही भव्यता के साथ निकाला गया, जिसमें सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन करते हुए समस्त समाज के लोगों ने पूरी शोभा यात्रा का इस बार स्वागत किया। यह सतरंगी परंपरा जो जबलपुर संस्कारधानी ने दिखाई है, यह पूरे देश के अंदर इस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए और भगवान महावीर के जीव और जीने दो के संदेश के साथ आज का हमारा यह पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल इसी कड़ी में विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन नगर सभा के द्वारा किया गया है, जो पूरे भारत में विख्यात है। बड़े ख्यातिलब्ध कवि इसमें आ रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से संस्कारधानी के समस्त वासियों को आज के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जयंती जो हम लोग प्रतिवर्ष हम साल मनाते हैं, और इस बार स्वामी हमारे प्रमुख का हमारे पुनी पुत्र सुधो सागर जी महाराज के सानिध्य में ये आप जो विशाल जुलूस देख रहे हैं, इसमें जोधपुर शहर की जितनी समाज की संस्थाएं सभी उन्होंने यहाँ पर आज जुलूस में अपना सहयोग दिया। और आप ये देख रहे हैं कि करीबन 4 घंटे से ये जुलूस जो निकाला जा रहा है बड़ा अद्भुत जुलूस है। और देखा जा रहा है कि आपने देखा होगा यहाँ से छोर और अंतिम छोर तक इसका समापन अभी नहीं हो पा रहा है। हमारे जबलपुर जैन समाज आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और जियो जियो जो के नारे के साथ भगवान महावीर स्वामी का नारा लगाते हुए ये महावीर जयंती मनाई जा रही है। जन्मोत्सव पूरे भारत वर्ष में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में जैन नवयुग सभा जबलपुर द्वारा विगत 5 दिनों पंचवर्षीय आयोजन किया जाता है, जिसमें आज अहिंसा दिवस के रूप में एक